नमस्कार दोस्तों, सीसीटीवी स्वागत में आपको स्वागत किया जा रहा है। आ गया एक नया वीडियो लेकर, जहां पे आप लोग को दिखाऊंगा कैसे एक नया डीवीआर या एनवीआर आप लोग जैसे सेटअप करते हो तो उसमें बीप साउंड आता है, उस बीप साउंड को कैसे आप बंद कर सकते हो। वहां पे मैं अभी आप लोग को लाइव दिखाऊंगा यहां पे। ओके, तो मैं अपना फ़ोन से ये चीज़ कर रहा हूँ, कोई भी मेरे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, जस्ट मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र में जाके इसको लॉगिन कर लिया, अपना आईपी एड्रेस चेक कर लिया डीएमएसएस से, उसके बाद लॉगिन कर लिया। तो मेरे को कहाँ जाना है, डायरेक्टली अलार्म सेक्शन में जाके एक्सेप्शन में जाना है। डेफिनेटली आपको दिखेगा अलार्म सेक्शन में जाके एक्सेप्शन, यहाँ पे देखिए एनेबल है, नो डिस्क अलार्म एनेबल है। तो मैं पहले इसको बंद करूँगा करके राइट साइड में मेरा अप्लाई बटन है, अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए बीप साउंड बंद हो गया, आपको जो साइड से बीप साउंड आ रहा था वो बंद हो गया। ठीक है, अगर और भी आपका डिस्क एरर या कुछ भी एनेबल है तो आप क्या कर सकते हो, आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करके ऑफ कर सकते हो इसी जगह से। और भी हो सकते हैं, लो स्पेस है उसके लिए अगर आपको अलार्म चाहिए, स्पेस भी आप मेंटेन करके यहाँ पे कर सकते हो कि आपका अगर 20% स्पेस आ चुका है तो आपको अलार्म चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो बाकी आपको अगर कभी भी कोई भी नया डीवीआर सेटअप होता है तो उस नया डीवीआर में कभी भी आपको इस टाइप का दिक्कत होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अलार्म बंद करना चाहिए। उसके लिए कहाँ पर जाना, आपको लॉगिन कर लेना है सिंपली आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप से, आपको अलार्म सेक्शन पे जाना है, एक्सेप्शन पे जाना है, जाके ये जो एनेबल है ये सेशन को आपको डिसेबल करके अप्लाई कर देना है। तो यही था आज का वीडियो, आई थिंक वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा, कैसे आप लोग ये जो बीप बीप साउंड है इसको बंद कर सकते हो ईजिली। और वीडियो को अगर और भी अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को सपोर्ट।